हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्कोप एंड एम ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बायोकेमिस्ट्री का एम क्या है। ठीक है, क्यों है एम, क्यों हमें बायोकेमिस्ट्री स्टडी करनी चाहिए, बायोकेमिस्ट्री में एक्चुअल है क्या। सो एम क्या है, बायोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ बोथ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब आप बायोकेमिस्ट्री के वर्ड से ही पहचान रहे होंगे कि बायोकेमिस्ट्री जो वर्ड है वो बायो और केमिस्ट्री से बना है। तो यहाँ से ही हम इसको समझ सकते हैं कि जो है केमिस्ट्री किसकी, बायो की। ठीक है, बायो से रिलेटेड जो भी केमिस्ट्री है, जो भी प्रोसेसेस होते हैं, बायो बायो मींस लाइफ, जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो सारे जो इंक्लूड होते हैं बायोकेमिस्ट्री में। सो इट इज अ ब्रांच ऑफ बोथ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। द वर्ड बायो कम्स फ्रॉम बायोस। वर्ड जो बायो है वो कहां से आया हुआ है, बायोस। बायोस अ ग्रीक वर्ड। बायोस क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है लाइफ। तो इट मीन्स लाइफ की केमिस्ट्री। बायो मीन्स लाइफ, सो बायोकेमिस्ट्री क्या होगी, लाइफ की केमिस्ट्री। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब वो की जो भी केमिकल प्रोसेस होते हैं वो है आपकी बायोकेमिस्ट्री। द मेन गोल ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। हर किसी की लाइफ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबों के अंदर कोई ना कोई केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, और केमिकल प्रोसेसेस में कौन इन्वॉल्व होता है, बायोमोलिक्यूल्स। तो उन बायोमोलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर और उनके बिहेवियर को स्टडी करना, ये है मेन गोल या मेन एम जो है वो है बायोकेमिस्ट्री का। सो समझ गए। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज द स्कोप। स्कोप क्या है, बायोकेमिस्ट्री स्टडी करके आगे हम क्या कर सकते हैं, आगे ये किस चीज के लिए हमें प्रेरित करता है। सो स्कोप क्या है, द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज एज वाइड एज लाइफ इटसेल्फ। जैसे कि हमारी जिंदगी है, लाइफ है, लाइफ में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है कि नहीं हमने लाइफ है तो बस इतना ही कर सकते। तो लाइफ में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सेम जो बायोकेमिस्ट्री का जो स्कोप है, इट इज एज वाइड एज लाइफ इटसेल्फ। वेयर एवर देयर इज लाइफ, जहां पे भी लाइफ होगी वहां पे केमिकल प्रोसेसेस तो होंगे होंगे, और जहां पे केमिकल प्रोसेसेस होंगे वहां पे बायोमोलिक्यूल की स्टडी, स्ट्रक्चर, फंक्शन, ये सब हम पढ़ेंगे। सो बायोकेमिस्ट स्टडी द केमिकल प्रोसेसेस दैट अकर इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, फिश, बर्ड्स, मैमल्स, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, सबों में ये जो जितने भी मैंने आपको बताया सारे लिविंग बींग्स हैं, इन सबों में केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, उन केमिकल प्रोसेस की स्टडी करनी है, ये हमारा स्कोप है बायोकेमिस्ट्री का। ठीक है, सो इट इज द लैंग्वेज ऑफ बायोलॉजी। ये जो बायोकेमिस्ट्री है किसकी लैंग्वेज है, बायोलॉजी की। सो ये था आपका आज का एम एंड स्कोप। अगर कुछ समझ ना आया हो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्दी आऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।